युद्ध हुआ तो क्या होगा। आधे घंटे में 10 करोड़ मौतें होंगी, दुनिया 18,000 साल पीछे चले जाएगी और अगर परमाणु युद्ध होता है तो इतना धुआं निकलेगा कि धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। दुनिया के 10% हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, लेकिन इस तबाही में भी धरती का एक इलाका सलामत रहेगा। रिस्क एनालिसिस जर्नल की नई रिसर्च दुनिया की आंखें खोलने वाली है। परमाणु बम को सामूहिक विनाश का हथियार कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने दुनिया के उस कोने की खोज कर दी है जो परमाणु तबाही से लोगों को बचाएगा। धरती पर ऐसा कौन सा शहर है जो अपने आप में परमाणु युद्ध का काट है? परमाणु धमाके के बाद जब दुनिया में रेडिएशन की आग लगी हुई होगी, उस मुश्किल घड़ी में इस शहर से कैसे आशा की किरण निकलेगी? ये देश कौन है? दुनिया के नक्शे पर ये देश कहां है? ये देश दुनिया को परमाणु तबाही से कैसे उबारेंगे, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने बहुत ही डिटेल में स्टडी की है। उस रिसर्च पेपर में क्या दावा किया गया है, इसे आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले परमाणु युद्ध की विनाश लीला को समझ लीजिए। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो उसके आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो धमाके इससे कई गुना बड़े होंगे, जोरदार होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम से बड़ा धमाका करने वाला बम अभी बना ही नहीं है। परमाणु युद्ध की ये बातें ख्याली बातें नहीं है, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में बढ़े तनाव के चलते परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम दशकों में सबसे अधिक बढ़ गया है। दुनिया में परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ने की आशंका है। ऐसे में परमाणु हमले से बचने के लिए दुनिया में सबसे महफूज इलाका कौन है, इसे लेकर एक जर्नल रिस्क एनालिसिस ने हाल ही में बड़ी रिसर्च की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं चल रहा हो, उस वक्त में भी एक परमाणु युद्ध की आशंका है। उस समय परमाणु युद्ध या तो गलती से या हालात के गलत आकलन से या किसी तकनीकी गड़बड़ी से शुरू हो सकता है। आप जो देख रहे हैं वो भले ही काल्पनिक है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी धुरी पर घूमती धरती एटम बम से राख हो सकती है। परमाणु बम की आग पूरी पृथ्वी को खाक में बदल सकता है। अब अगर एक भी न्यूक्लियर बम फटा तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। धरती पर परमाणु बम के विस्फोट के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,862 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं, यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को एक दो बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं। साफ है एटम बम के प्रहार के बाद ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि फिलहाल दुनिया के कितने मोर्चे पर युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है।
पहला परमाणु फ्रंट बना है यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब एक साल होने वाले हैं। पुतिन कई बार दुनिया को अपने पावरफुल बमों की याद दिला चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट बाल्टिक देशों में मौजूद नाटो और रूस के बीच खुल सकता है, जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है। तीसरा मोर्चा उत्तर कोरिया के किम जोंग खोल सकते हैं, जिनकी परमाणु भूख लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिका तक के लिए परेशानी की बात साबित हो सकती है। चौथा परमाणु मोर्चा चीन खोल सकता है, क्योंकि परमाणु बम का बड़ा जखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को आतुर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो नौबत परमाणु युद्ध तक की आ सकती है। पांचवा न्यूक्लियर वॉर फ्रंट इजराइल और ईरान के बीच खुल सकता है। अगर इन पांचों मोर्चों में से किसी भी एक मोर्चे पर परमाणु युद्ध हो गया तो नतीजा बहुत ही भयावह होगा। परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी, 2 अरब लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा, दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी, धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा, सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी, दुनिया भर में मानसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु बम ऐसे बम होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। रिसर्च के मुताबिक अमेरिका और रूस में लापरवाही से परमाणु जंग शुरू होने की आशंका हर साल 1% तक बढ़ रही है। अमेरिका और रूस के बीच लापरवाही से जंग शुरू होने का मतलब ये है कि जब किसी देश को गलती से ये लगने लगे कि दूसरा देश उस पर हमला करने वाला है और उस हमले से बचने के लिए वो खुद ही पहले उस पर परमाणु हमला कर दे। वो जंग दुनिया के 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। रिस्क एनालिसिस जनरल में दावा किया गया है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो 2 अरब लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए या कहें कि परमाणु हमले से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे सुरक्षित देश है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कृषि उत्पादों में काफी मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 10 करोड़ लोगों के खाने की कमी को दूर कर सकते हैं। इन दोनों में भी ऑस्ट्रेलिया में फूड सप्लाई करने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये दोनों आबादी के अलावा 1 करोड़ से 10 करोड़ लोगों के खाने की कमी पूरा कर सकते हैं। लेकिन रिस्क एनालिसिस जर्नल में ये भी दावा किया गया है कि अमेरिका से दोस्ती का खामियाजा ऑस्ट्रेलिया को भी भुगतना पड़ सकता है। परमाणु बम जब गिरता है तो उसे तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगता है, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के पास अनाज की कोई कमी नहीं होगी और रेडिएशन से बचे लोगों को भुखमरी से बचाएंगे।